Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so, student, in last video, we have to discuss the topic ocean, then continents and landform. Okay, so, Asia, Europe. Africa, North America, South America, Antarctica, and Australia, these all are the ocean. -ish. These all are the important ocean. Okay. And about two-thirds of the Earth's surface is covered with water. So the there are main five oceans, which are the Arctic, Pacific, Southern Ocean, Indian Ocean, okay, Atlantic Ocean. See so these all are the Oceans. Okay, we have already discussed in last uh, class. Okay, so in today's class, we have to discuss the surface water means earth hydrosphere. Okay, so in this earth hydrosphere, so today we are going to learn the earth hydrosphere. So, in this first topic is surface water. Okay, so surface water, so there are many streams of water there are many streams of water flowing over the land this water is not salty but fresh so you know very well the when the rainfall when the rain falls on the land the water flows on the land ओके सो दिस टाइप ऑफ वाटर इज नोन एज स्ट्रीम्स ओके सो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्ट्रीम, सो देयर आर मेनी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोविंग ओवर द लैंड सो जब बारिश होती है तब बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं स्ट्रीम्स मीन्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम्स मीन्स धाराएं, ओके सो जब बारिश होती है जब रेनफॉल वेन द रेनफॉल वेन द रन फॉल्स ऑन दर लैंड जब बारिश होती है जब बारिश होती है तब बहुत सारे वॉटर के जो स्ट्रीम्स होते हैं वो ज़मीन से लैंड से बहने लगते हैं सो दिस वाटर इज नॉट सॉल्टी बट फ्रेश सो ये जो स्ट्रीम्स का वाटर रहता है जो ज़मीन से बहता है लैंड के लैंड से फ्लो होता है वो कैसे रहता है वो कैसे होता है इट इज फ्रेशिस वाटर इज फ्रेड बट नॉट सॉल्टी सो ये वाटर क्या होता है ये वाटर फ्रेश होता है जो हम पीने के लिए यूज करते हैं ओके सो द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर में भी रेल्स ब्रुक्स स्ट्रीम्स और रिवर रिवर्स सो ये सब पानी हमें कहाँ कहाँ मिलता है ब्रुक्स ब्रुक्स सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रोक्स देन रेल्स एंड reverse so in this reels are the reels are the smallest and reverse is the biggest so jo reels say so it is the smallest it is the smallest ओके okay, जो रील होती है जो पानी का बहाव होता है सो इट इज़ कॉल्ड एज द रील्स ओके सो रील इज़ द स्मॉलेस्ट एंड रिवर इज द बिगेस्ट सो जो पानी के बहाव होते हैं बारिश के बाद जो पानी बहने लगता है पानी के बहाव होते हैं सो so, रील्स इज़ बिग स्मॉलर रील्स क्या है छोटा है ओके सो दिस इज द पिक्चर ऑफ रील्स एंड द रिवर इज द बिगेस्ट और रिवर क्या यू नो वेरी वेल सी ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ रिवर इन दिस वी हैव clearly notify that that the river is the biggest okay so river is the biggest so reels reels brooks streams streams join each other to form river so jo brooks hai reels hai okay streams hai ye sabhi ये सब भी क्या होते हैं जॉइन होते हैं सो रील्स स्ट्रीम जॉइन इच अदर टू फॉर्म रिवर इससे क्या फॉर्म होता है रिवर्स फॉर्म होता है ओके okay? रिवर कैसे फॉर्म होती है इन विच वे रिवर इज फॉर्म सो रील्स ब्रूक्स स्ट्रीम्स आर जॉइन टू ईच अदर टू फॉर्म रिवर सो इस तरह नदियाँ बनती हैं ओके सो रिवर्स रिवर विच टू मेक अग्गर रीवर ओके वॉट आई एम से बिग्गर रीवर आर कॉल्ड एज कॉल्ड एज कॉल्ड एज अ ट्राइबरीज सो रिवर्स रिवर्स विच जॉइंट मेक अ बिग्गर रिवर और कॉल्ड द ट्राइब्यूटरीज सो जो नदियाँ होती है वो क्या होती है जो छोटी मोटी नदियाँ होती है वो क्या होती है ज्वाइन जो होती, होती है और बिग्गर रिवर फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं ट्राइबूटरीज सो दिस इज द पिक्चर ऑफ़ ट्राइबूटरीज ओके सो इन सम प्लेस इन सम प्लेसेस और रिवर

कई जगह से रिवर फ्लैट जगह से बहती है तो कई जगह से जो हिल्स होती है वहाँ से बहती है सो so, जो रिवर का बहाव है वो नीचे गिरता है सो दिस फॉर्म इज नोन एज अ लैंड फॉम सो दिस इज द पिक्चर ऑफ लैंड फॉल मीन्स नदी जो रिवर है वो कहाँ से, से बह रही है जो हिल साइड है वहाँ से बह रही है सो उसे हम क्या कहेंगे दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज ए वाटर फॉल सो इन सम प्लेसेस अ रिवर कैसकेट डाउन अ सडन ड्रॉप दिस फॉर्म ए वाटर Okay, So so then legs. So this is the picture of legs. Lex means what is the meaning of legs? Lex means talab. what is the meaning of legs? Lex means talab. okay? So a water body, form by water collecting naturally in low lying area of land is called a lake so hum leg kise kehte hai what is the meaning of lake Legs means talab okay in hindi we can say talab so what is the definition of lakes a water body formed by water collecting naturally in low lying area of land is called a lake so सो जो इन अ वेरी वेरी लो लाइंग एरिया सो वाट इज़ द मीनिंग ऑफ लो लाइंग एरिया लो लाइंग एरिया मीन्स जो निचला हिस्सा होता है निचला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहेंगे लो लाइंग एरिया सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लो लाइंग एरिया ओके सो जो वाटर है जो वाटर है वो नेचुरली नेचुरली जो लोअ लाइंग एरिया है वहाँ कलेक्ट होता है सो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन नोन एज लै सो

वेपर्स वाटर वेपर के मतलब इट मीन्स डेट गैस के फॉर्म में भी होता है सो वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स फ्रीज एंड इन कोल्ड रीजन दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो सो शो यू नो वेरी वेल कोल्ड रीजन कोल्ड रीजन मीन्स जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बर्फबारी होती है ज्यादा से जहाँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ठंड होती है सो दिस टाइप ऑफ रीजन इज नोन एज कोल्ड रीजन ओके सो वाट वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स फ्रीज एंड इन कोल्ड रीजन जो कोल्ड यू नो वेरी वेल द कोल्ड रीजन सो कोल्ड रीजन में क्या होता है जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं क्लाउड में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं फ्रीज होते हैं एंड दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो सो कोल्ड रीजन में वाटर पार्टिकल्स क्लाउड में क्या हो जाते हैं फ्रीज होते जाते हैं एंड द स्नो कम डाउन इन द स्नो सो जो कोल्ड रीजन है वहाँ वाटर पार्टिकल्स क्लाउड में क्या हो जाते हैं फ्रीज होते हैं और स्नो नीचे गिरती है इस तरह स्नो फॉल होता है ओके सो वैन लेयर्स ऑफ स्नो पाइलअप ऑन द ग्राउंड दे फॉर्म आइस सो जो स्नो है वो वो क्या बनाते हैं लेयर्स बनाते हैं ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड के ऊपर अलग अलग लेयर्स बन जाते हैं स्नो के ओके okay? एंड उससे क्या बनता है आइस बनता है सो इन दिस पिक्चर वी हैव ऑब्जर्व केयरफुली सो वट वी ऑब्जर्व सो द दैन द लेयर्स ऑफ स्नो पाइल अप ऑन द ग्राउंड दे फॉर्म आइस सो जो स्नो है जब स्नो होती है तो so, स्नो के कारण लेयर बन जाते हैं ग्राउंड के ऊपर ओके okay? देन उससे क्या बन जाता है आइस बन जाता है मीन्स लेयर्स ऑफ स्नो पाइल अप ऑन द ग्राउंड दे फॉर्म आइस ओके सो वैन सच लेरिया दे बिकम ए नॉर्मस इन साइज सो जो लो लाइंग एरिया होता है इन कोल्ड रीजन द लो लाइंग एरिया इज फाउंड ओके जो कोल्ड रीजन है वहाँ लो लाइंग एरिया होता है सो so, जो स्नो के लेयर्स है वो क्या होते हैं एक के ऊपर एक आते हैं आप फिगर में तो देख रहे हैं ओके okay? सो so, वो उनकी साइज कैसे होती है अनॉर्मस इन साइज हो जाते हैं वो जो स्नो के स्नो के जो आइस है वो ह्यूज इन साइज होते हैं एनॉर्मस इन साइज मीन्स बहुत बड़े हो जाते हैं ओके सो दिस ह्यूज मास डाउन डाउनस स्लोप एट अ वेरी स्लो स्पीड सो दिस इज कॉल्ड अ ग्लैसियर सो जो हमने um, देखा था कि जो स्नो के जो लेयर्स है वो बहुत बड़े साइज में हो जाते हैं देन वो क्या होते हैं वो जहाँ स्लोप है वहाँ स्लोप में क्या होते हैं स्लिप होने लगते हैं वे विद एट अ वेरी स्लो स्पीड सो दिस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर सो जो आ, स्नो के जो लेयर है जो फॉर्म हुए थे वो क्या हो जाते हैं एक के बाद एक स्लिप होने लगते है कहाँ से स्लोप जगह से और वेरी स्लो स्पीड से उसे हम क्या कहेंगे ग्लेशियर सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लेशियर ओके इज़ द पिक्चर ऑफ ग्लैशियर सो देर आर ऑल्सो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी सो जो समुंदर होता है वहाँ आइस के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं फ्लोट होने लगते हैं सो so, उसे हम क्या कहेंगे दे आर कॉल्ड द आइस बर्ग सो दिस इज द पिक्चर ऑफ आइस बर्ग सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ आइस बर्ग सो देर आर ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस there are huge blocks of ice floating in the sea. They are called icebergs. Means jo जो hota होता है जो सी होता है वहाँ जो आइस के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स है वो क्या करने लगते हैं फ्लोट करने लगते हैं सो दे आर कॉल्ड द आइस बक्स उसे हम क्या कहेंगे आइस बॉक्स ओके देन ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर मीन्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर सो बिसाइड दिस वाटर बॉडीज ऑन द आर सरफेस देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर स्टोरड इन द इन द अंडरग्राउंड लेयरस ऑफ द रॉक इट इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर वॉट इज द मिनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर सो दिस वाटर बिसाइड दिस वाटर बॉडीज ऑन द आर सरपेस देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द अंडर ग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर सो ग्राउंड वाटर मीन्स क्या होता है जो रेन का पानी होता है वो जैसे जमीन लैंड के ऊपर गिरता है वैसे ही वो जमीन के अंदर भी जाता है जहाँ रॉक्स होते हैं वहाँ सो दिस जो पानी अंदर जाता है ओके okay? जमीन के अंदर जाता है सो so, उसे हम क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर कहते हैं ओके सो दिस ग्राउंड वाटर वी रिच इट बाय मीन्स वेल्स एंड वेल्स मैनी लेक्स एंड वेल्स गेट वाटर फ्राम द अंडर ग्राउंड स्पिंग सो जो ग्राउंड वाटर है वो हमें कैसे मिलता है वे रिच इट मीन्स बाई ड वेल्स एंड बोरवेल्स सो जो ग्राउंड वाटर है हम वो ग्राउंड वाटर हम कैसे मिलाते हैं नो वेरी वेल्स इज द पिक्चर ऑफ वेल्स ओके सो वे रिच द ग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ बोरवेल्स ऑल्सो हम बोरवेल्स का यूज करके देन हम वेल्थ का यूज करके ग्राउंड वाटर पीते हैं उसका यूज करते हैं ओके द वॉटर आर आइस दैट ऑकुपाइज द अर्थ सर्फेस ग्राउंड वाटर एंड द वॉटर वेपर इन द एटमोस्फियर टूगीदर फॉर्म द आर्थ हाइड्रोस्फीयर सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ आर्थ हाइड्रोस्फियर जो वाटर है द वॉटर आर आइस दैट ऑकुपाइज ऑन द अर्थ सर्फेस जो अर्थ सर्फेस के ऊपर वाटर है ऑन द इन द फॉर्म ऑफ आइस है कि नहीं देन ग्राउंड वाटर एज वेल एज वाटर वेपर इन द The atmosphere. So together form the Earth hydrosphere. So Earth hydrosphere कैसे बनता है? जो हमारे Earth surface के ऊपर water है, जो ice बना हुआ है, as well as जो water है, and जो water vapor है atmosphere में. So ये सभी को मिला के हम क्या कहते हैं? उसे Earth atm Earth hydrosphere. So this is the Actual meaning of earth hydrosphere so groundwater, groundwater, then surface water, then water in the form of ice, lakes, groundwater, then river, rills, brooks, streams, tributaries, glaciers. So, these all are the earth hydrosphere. Okay, so this is the earth hydrosphere. Okay, I hope you all are understand. Thank you.